पाल सिंह जी, नरेश पाल सिंह जी, ओम प्रताप सिंह जी, गौरव वासने जी, नवीन दीक्षित जी, मुकेश राजपूत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री सत्येंद्र सिंह जादौन जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में जलेसर की इस पावन धरा में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, ऋषि मुनियों, जैन तीर्थंकरों की इस पौराणिक और ऐतिहासिक धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलीला का आगमन हुआ और यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों का मैं हृदय से अभिनंदन भी इस अवसर पर करूंगा कि रामलला के आगमन के बाद 21 टन का घंटा लेकर के इन्होंने अयोध्या में जलेसर की आवाज को पहुंचाने का काम भी किया। जब जलेसर का घंटा अयोध्या में गूंजता है ना, तो पूरा दिन देश और दुनिया का सनातनी आस्था फिर से जागृत होकर के आप सबको धन्यवाद देती है। बहनों और भाइयों, ये अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद पुनर् वहां पे फिर से स्थापित हुए, उनकी पूर्ण पाठ प्रतिष्ठा हुई है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है, मोदी जी को। आप सोचो, कांग्रेस को 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी एक लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन न जलेसर की सुध उन्होंने की ली और न रामलला के मंदिर के बारे में ही उनको कुछ ही अता पता था। बल्कि लोग कहते थे, इन तीनों के वक्तव्य आपने सुने होंगे, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी कहती थी जब आप राम भक्त कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, क्या कहते थे, कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और बहुजन समाजवादी पार्टी को तो बोलना ही क्या है। लेकिन बहनों और भाइयों, परिंदा क्या, वहां तो इस समय लाखों राम भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। रामलला ने होली भी खेली और रामलला होली खेलने के साथ साथ अपना 500 वर्षों के बाद अपना पावन जन्मोत्सव भी वहां मनाए हैं। और आपने पहली बार देखा होगा, भगवान राम की आराधना तो आपने भी अपने घर में की होगी, लेकिन साथ साथ भगवान सूर्य देव ने भी सूर्य वंश मणि भगवान राम का रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे तिलक किया है, सूर्य किरणों की तिलक भी आपने अयोध्या की देखी होगी। बहनों और भाइयों, ये तो अवसर हम सब के लिए आया है, यह अवसर भाजपा के कारण आया है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो। बहनों और भाइयों, ये लोग आपकी आस्था के साथ खेलने वाले लोग हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ खेलने वाले लोग हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो इन लोगों का जो एजेंडा है, उनके मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, इनका मैनिफेस्टो कहता है, इनका घोषणा पत्र कहता है कि हम भारत के अंदर
व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। व्यक्तिगत कानून लागू करने का मतलब तालिबानी व्यवस्था को लागू करना। क्या भारत का तालिबानीकरण करने की छूट आप देंगे क्या? क्या भारत में तालिबानी शासन होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? एक कांग्रेस सपा के लोगों को क्या हो गया? ये लगातार आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों को प्रश्रय देते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो भौचक था, जीवन भर सरदेव कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया, पूरा जीवन समर्पित किया। जब वे दिवंगत हुए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके प्रति एक भी शब्द संवेदना के लिए व्यक्त नहीं किए। मुलायम सिंह जी भी दिवंगत हुए थे, मैं स्वयं उनके गांव में गया था, मैंने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी संवेदना के शब्द नहीं कहे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, एक तरफ राम भक्त कल्याण सिंह जी का अपमान होता है और दूसरी तरफ अभी एक माफिया मरे थे ना, माफिया की मौत पर समाजवादी पार्टी के लोग फतिया पढ़ने के लिए गए थे, फतिया पढ़ने के लिए। इसलिए अवसर है आपके पास, चुनाव के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से बोलिए कि भाई जाओ, देश मोदी जी चलाएंगे और तुम लोग 5-10 साल और फतिया पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो जगह ठीक है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, दो चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और दो चरणों के चुनाव से स्थिति स्पष्ट होती जा रही है, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 1543 में से 191 सीटों पर चुनाव देश के अंदर हो गए हैं और पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, एक ही स्वर गूंज रहा है और स्वर है कि बहनों और भाइयों, वह स्वर है फिर एक बार मोदी सरकार का, फिर एक बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार इस बार फिर से आने के लिए जनता जनार्दन की ओर से जो आवाज आ रही है, वो आवाज अचानक नहीं है बहनों और भाइयों, इसके पीछे मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके, लगातार 24 घंटे सातों दिन 365 दिन 10 वर्ष तक लगातार परिश्रम किया, तब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर कहीं जाता है, दुनिया सम्मान की निगाहों से देखती है, तब भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई, नहीं तो पहले कभी भी, कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश भारत की सीमा में घुसपैठ करता था, तब आतंकवाद और नक्सलवाद का समस्या का समाधान हुआ, नहीं तो कहीं भी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी विस्फोट कर लेते थे और सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी हम देख रहे हैं। अरे लोग मर रहे थे आतंकी विस्फोट में, देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।